दोस्तों, जैसा मैंने अपने 8 अगस्त 2020 वाले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले 15 अगस्त को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा कर दें, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत भारत के हर नागरिक को एक यूनिक नेशनल आईडी असाइन किया जाएगा। अब ये नेशनल आईडी क्या होगा, इसकी क्या विशेषताएं होंगी, हमारा ये वीडियो इसी के ऊपर आधारित रहेगा, तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में क्या कहा। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा, ये व्यवस्था उसे होने वाली है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह देश एक नए आंदोलन का गवाह बनने वाला है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये जो हम एक यूनिक नेशनल आईडी की बात कर रहे हैं, इस सपने को साकार करने के लिए 144 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और यह स्कीम एनडीएचएम के अंतर्गत आएगी। तो चलिए बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी की। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत एक यूनिक आईडी आपके लिए जनरेट कर दी जाएगी और आपके सारे हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसके अंदर संभाल के रखे जाएंगे। यह फैसिलिटी एक ऑप्शनल फैसिलिटी होगी, यानी कि अगर आपने इसका चुनाव किया है तभी आपके लिए आईडी बनाई जाएगी। ये आईडी 14 अंकों का एक विशिष्ट नंबर होगा जो कि हर व्यक्ति के लिए एकदम अलग होगा और इसको आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक किया जाएगा। तो इस आईडी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियां, मसलन आपने अभी तक कहां पर इलाज कराया है, किस हॉस्पिटल में गए हैं, किस डॉक्टर ने इलाज किया है, किस बीमारी के लिए क्या आपने ट्रीटमेंट लिया है, कितनी दवाइयां खाई हैं, कितने समय तक के लिए खाई हैं, क्या सर्जरी हुई है, क्या टेस्ट से, कंप्लीट डिटेल आपके हेल्थ से रिलेटेड इसमें सम्मिलित की जाएंगी। अब आप पूछ सकते हैं कि इससे आपको क्या फायदा होगा। तो देखिए, समझिए, इससे आपका इलाज करने में डॉक्टरों को बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि अब आपके डॉक्टर के सामने आपकी पीछे की सारी बीमारियों का पूरा ब्यौरा होगा और वह आपका अच्छी तरह से इलाज कर पाएगा। वैसे फिलहाल अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और एक बार लाइव होने पर आप अपने मोबाइल पर भी इस ऐप को यूज कर पाएंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से की जाएगी। इस योजना का ब्लूप्रिंट पिछले साल ही पब्लिक कर दिया गया था। अब आपके मन में यह सवाल भी उठता होगा कि क्या इस नेशनल आईडी के ऊपर सरकार का कोई हस्तक्षेप होगा, तो नहीं। यह हेल्थ आईडी आपकी पर्सनल हेल्थ आईडी होगी और सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह सारा डेटा गवर्नमेंट के सर्वर पर ही स्टोर होगा और ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन आपकी इच्छा के बिना गवर्नमेंट को इसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। इसको आप इस तरह समझिए, जैसे आपका एक ईमेल आईडी होता है, आप किसी को अपना ईमेल आईडी देते हैं, उसके बावजूद भी वह आपको उसमें सिर्फ मेल भेज सकता है, आपकी मेल्स को कोई भी बिना आपकी परमिशन के एक्सेस नहीं कर पाता। इसी तरह इस डेटा को भी जब तक आप किसी को परमिशन नहीं देंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हम बात करें पायलट प्रोजेक्ट की, इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अंडमान निकोबार से होगी और उसको टेस्ट अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, जैसे कि अंडमान निकोबार,
चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, इसमें किया जाएगा और यहां से रिजल्ट ठीक आने के बाद ही पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, ये योजना NDHM के अंतर्गत आएगी जो कि आयुष्मान भारत का एक हिस्सा होगी। आयुष्मान भारत आई थिंक आप सबको पता होगा, इसके अंतर्गत हर भारतीय नागरिक का एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस हम में से अधिकतर लोग नहीं कराते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भगवान ना करे अगर आप कभी बीमार पड़े तो उस समय आपकी जमा की गई सारी राशि को ये बचाएगा और इसमें मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। साल के आपको 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये देने होते हैं, लेकिन मुसीबत के समय ये आपकी बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की। तो इसका ब्लूप्रिंट नेशनल हेल्थ एजेंसी यानी कि NHA ने बनाया। अब देखिए, इसके फायदे ना सिर्फ आपको होंगे लेकिन आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी पार्टी हैं उन सबको इसका फायदा होगा, जैसे कि फार्मेसी, लेबोरेटरीज, इंश्योरेंस कंपनी, अब टेलीमेडिसिन, इन सभी पार्टीज को आपकी हेल्थ से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी परमिशन के बाद एक्सेसिबल होगी। और यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसे लेने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे। डिजिटल हेल्थ आईडी का ऑप्शन सभी नागरिकों के पास होगा, लेकिन अगर कोई नागरिक इसको नहीं लेना चाहता तो उसको लेने के लिए कोई भी मजबूर नहीं करेगा और उसका इलाज भी इसके बिना करने में कोई अस्पताल या डॉक्टर मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी जो मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी हेल्थ आईडी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा कीजिए ताकि इस तरह के और वीडियोस मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर कर सकूं। थैंक यू।